विश यू अ वेरी हैप्पी होली। अभी मैं लामडिंग में हूँ, तो लामडिंग में आकर बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम खा ली थी मैंने, तो मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया है। कल हमने होली खेला था मेरे मम्मी के घर पे, तो आज यहाँ फोटूपतर गांव में मेरा मामा ने इनवाइट किया है हम सबको लंच के लिए, और होली भी खेलेंगे। तो अभी मैं मेरे मामा के घर आई हूँ फोटूपतर गांव में, तो हम सब कैसे होली खेले आप भी देखिए। गया कि पहचान में ही खुद को पहचान ही नहीं पा रही हूँ कि कौन है हम। होली अच्छी तरीके से खेल लिया है हमने, जी भर के होली खेल लिया है। हमसे ज़्यादा तो हमारा हस्बैंड, हमारे भैया लोग खेले हैं, वो लोग तो टाउन में भी चले गए थे, वहाँ पर जाकर खूब होली खेले, तो वो मैं वीडियो नहीं कर पाई। तो अभी होली उली खेलना ख़त्म, हमने लंच भी कर लिया है और अभी शाम हो गया है। गांव के रास्ते पे घूम रहे हैं मेरे बहनों के साथ, वो लोग कैमरा में नहीं आना चाहते हैं। तो मेरा गला भी ख़राब है, आप लोग को समझ में आ रही होगी या नहीं पता नहीं। तो मैं मेरे गाँव का सीन आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये गाँव कितना सुंदर है, हमारा नानी माँ का गाँव, नर्सरी है, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाया है। पहले नहीं था, ये नया खुला है। तो हम लोग अभी खेत देखने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ खेत ही खेत है, आँखों से कलर नहीं गया है पूरी तरीके से, अभी तक लाल लाल हो रखा है। ये देखिए कितना बड़ा बट वृक्ष है गांव का, यहाँ पर पूजा होता है, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं। कितना पुराना है ये बट वृक्ष, हम लोग यहाँ नहीं आए थे आज दिन में, यहाँ पर शायद होली का उत्सव मनाया होगा इसीलिए इतना कलर लगा हुआ है वृक्ष पर। देखिए कितना बड़ा है ये वृक्ष, यहाँ पर एक कुआ है, जाकर देखती हूँ कुएं में पानी है कि नहीं। पानी है, देखिए यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है नज़ारा। उस रास्ते में जाने से और एक गांव है, मगर अभी हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ पर आए थे क्योंकि मेरी मामा की जो बेटी है
वो उसने बोला था कि यहाँ पर एक फल का पेड़ है, तो आप लोग उस फल को क्या बोलते हो मुझे हिंदी में पता नहीं है, हम लोग आमरा बोलते हैं, तो वो है। तो आकर देखा कि आमरा का पेड़ तो है, मगर आमरा का पेड़ का अभी एक भी आमरा गाछ पेड़ पे नहीं लगा हुआ है। आप लोग ही देख लीजिए, आमरा का अभी छोटा छोटा लीव्स ही निकले हुए हैं, तो हमको नहीं मिला अभी कोई आमरा। देखिए कोई आमरा नहीं है, सिर्फ लीव्स है, वो भी छोटा छोटा लीव्स, या शायद ये फ्लावर होगा। हाँ फ्लावर ही होगा, अभी लगेंगे पेड़ पर आमरा। कितना बड़ा है। तो अभी हम लोग धनिया पत्ता ही तोड़ लेते हैं, आमरा तो नहीं मिला। घर में इमली है तो इमली खा लेंगे, तो यहाँ से धनिया पत्ते कुछ तोड़ लेते हैं। धनिया पत्ते के तो सारे फ्लावर्स आ गए हैं, बीच बीच में हैं, तो वही तोड़ लेंगे अभी। ये देखिए ये वाला पत्ता ही, इसमें बहुत ही सुंदर स्मेल है, ये एकदम ऑर्गेनिक है, यहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं दिया है, एकदम ही सुंदर वाला स्मेल है। मैं भी यहाँ पर आकर एकदम शॉक्ड हो गई थी। जो हम लोग घर पे खाते हैं धनिया पत्ता, उसका स्मेल और इसकी स्मेल में बहुत ही अंतर है। इसका स्मेल एकदम ही अलग है, बहुत सुंदर है इसका स्मेल, आप लोग एक बार सूंघोगे तभी पता चलेगा। तो थोड़ा पत्ते ले लेते हैं। और भी थोड़ा लेना होगा, मेरे बहने लोग ले रहे हैं। धनिया पत्ता, काला नमक और ये है इमली, तो ये मिक्स करके खाने में एकदम मज़ा आएगा, मज़ा। तो धनिया पत्ता को ऐसे लगा लेना है, ऐसे ज़्यादा करके लेना है, ऐसे ज़्यादा करके लेकर ऐसे मुंह में रखना है और वैसे खाने टाइम पर आवाज़ नहीं निकालना चाहिए, मगर खट्टा चीज़ खाओ और मुंह से आवाज़ ना निकले तो इसका मज़ा नहीं आता है ना। बोलिए किस किस के मुंह से पानी आ रहा है ये देखकर। बहुत ही यम्मी है। मैं बहन लोग कैमरा के सामने नहीं आना, उसको शर्म आ रही है, होली के कलर सारे फेस पे लगे हैं ना, इसीलिए। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और जो नए हो मेरे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।